गुरुग्राम और उसके आसपास के इलाकों से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या इस देश में महिला जी पाएगी। अब गांव इस्लामपुरा में बाथरूम में घुसकर छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। छात्रा के शोर मचाने पर आसपास के लोग एकत्र हुए। उन्होंने आरोपी को मौके पर दबोच लिया और उसकी पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस प्रवक्ता सुभाष बोकन ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मूल रूप से बिहार निवासी महिला ने बताया कि वह क्षेत्र में घरेलू सहायिका का काम करती है। उसकी 13 साल की बेटी 6 कक्षा की छात्रा है। रोजाना की तरह वह सेक्टर 47 के एक घर में सुबह 7:30 बजे काम करने चली गई। दोपहर को वापस आई तो उसकी बेटी रो रही थी। पूछताछ करने पर उसने बताया कि छात्रा बाथरूम में नहा रही थी तो एक व्यक्ति जबरन बाथरूम में आ गया और उसके साथ छेड़छाड़ की। छात्रा के शोर मचाने पर आसपास रहने वाले लोग एकत्र हुए और उन्होंने आरोपी को मौके पर दबोच लिया और उसकी पिटाई कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान बंगाल निवासी कासिम के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जाँच जारी है। गौरतलब है कि प्रदेश से ऐसी खबरें सामने आना कोई बड़ी बात नहीं रह गई। यह सब यहाँ आम हो चुका है। जब प्रदेश में दिन दहाड़े अपहरण हो सकते हैं, रेप हो सकते हैं, तो छेड़छाड़ तो आम बात है। तो हम आपको बस यह बताना चाहेंगे कि अपना ध्यान खुद रखें, क्योंकि प्रशासन के बस की अब कुछ नहीं रह गई है। ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਖਿਡਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਿਡਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਸਿਖਾਉਣਾ।